अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है स्पेशली बच्चों के लिए चिकन पॉकेट शवरमा की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी में मैं आपको सिखाऊंगी कि चिकन को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसकी शवरमा सॉस किस तरह से बनेगी और साथ ही साथ इसका सैलड किस तरह से प्रिपेयर होगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस रेसिपी में सिखाने वाली हूँ, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप दही, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून केचप, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे, कोई सी भी ब्रांड का आप तिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जाएगा 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन पर लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन ब्रेस्ट को 4 पीसेज में फ्लैट कट कर लिया है। अब ये सारा मसाला इन चिकन ब्रेस्ट पीस पे लगा देंगे। अच्छे से ये मसाला इन चिकन पीसेज पे लगाएंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे मैरिनेट करने के बाद एक ग्रिल पैन पे 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को अच्छे से फैलाने के बाद इस पे मैरिनेटेड चिकन रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। 10 मिनट के बाद चिकन को टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए टोटल 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल पक चुका है। इसे एक साइड पे रख देंगे और बाकी के चिकन को भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद चिकन को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और कट कर लेंगे। सारे चिकन को कट करने के बाद एक साइड पे रख देंगे और शवरमा सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। शवरमा सॉस के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है 1/2 कप मायोनीज, 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और लास्ट में इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने इन सभी चीज़ों को ब्लेंड करके एक पेस्ट सा बना लिया है। इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और 1/2 कप टेट्रा पैक क्रीम ऐड करेंगे। फिर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। शवरमा सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पॉकेट शवरमा के लिए सैलड प्रिपेयर कर लेते हैं। सैलड के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के खीरे, जिन्हें मैंने लंबाई में कट कर लिया है। सभी वेजिटेबल्स को इसी तरह से लंबाई में कट करेंगे। अब इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1/2 शिमला मिर्च, 1 कप बंद गोभी, 2 टमाटर जिनके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए थे, और फिर इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सैलड भी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में हम शवरमा ब्रेड को सेक लेंगे। मैं ग्रिल पैन पे शवरमा ब्रेड को सेक रही हूँ। आप सिंपल किसी भी तवे या नॉनस्टिक पैन पे भी इसे सेक सकते हैं।
सारे शवरमा ब्रेड को इसी तरह से सेक लेंगे। फिर सेंटर से इसे कट करने के बाद नाइफ की हेल्प से इसकी एक पॉकेट सी बना लेंगे। अब हम इसमें बारी बारी सभी चीज़ों की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले शवरमा सॉस अप्लाई करेंगे। फिर थोड़ी सी सैलड रखेंगे। अब इसमें जाएगा ग्रिल चिकन। ऊपर से फिर से थोड़ी सी शवरमा सॉस डालेंगे। सैलड रखेंगे और कुछ चिकन के पीसेस रख देंगे। देखिए शवरमा पॉकेट बनके बिल्कुल तैयार है। बाकी की सभी शवरमा पॉकेट्स को भी इसी तरह से असेंबल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से शवरमा पॉकेट बनकर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।